हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ। माय नेम इज एकता भारती। आप मेरे साथ पढ़ते हैं मैथमेटिक्स सेकंड सब्जेक्ट, जो कि बीटेक फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था? हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल पढ़े थे और उसके हमने दो मेथड पढ़े थे, मेथड फर्स्ट और मेथड टू। अब हम क्या करते हैं, उसी मेथड फर्स्ट और मेथड टू के बेस पर ही हम एक क्वेश्चन लेते हैं। मेथड फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था, इफ Qx अगर हमारा e की पावर ax टाइप का है तो pi क्या आता है हमारा, 1 अपॉन में f d e की पावर ax, जहां पर हमें पुट करना था d की जगह पर a, तो यहां पर 1 अपॉन में f a और e की पावर ax, ये क्या था हमारा pi। ये था हमारा मेथड फर्स्ट का। अब हम लेते हैं मेथड टू। मेथड टू में हमने क्या पढ़ा था, अगर हमारा Qx क्या है हमारा e की पावर साइन ax टाइप का है या फिर हमारा cos ax टाइप का, तो यहां पर हमने p कैसे पढ़ा था, 1 अपॉन में pi क्या था हमारा, 1 अपॉन में f d स्क्वायर या फिर साइन ax हो या फिर हमारा cos ax हो। तो हमें क्या करना था, पुट करना था, हमने क्या किया था, d स्क्वायर की जगह पर माइनस के a स्क्वायर पुट किया था यहां पर। हमने यहां पे पुट किया था तो हमारा क्या हुआ था, फंक्शन 1 अपॉन में f माइनस ए स्क्वायर और साइन ए एक्स हो या फिर हमारा कॉस ए एक्स हो। बस हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो फंक्शन है f माइनस ए स्क्वायर, ये हमारा जीरो नहीं होना चाहिए था। हमने मेथड फर्स्ट में ये पढ़ा था, ये था हमारा मेथड फर्स्ट, ये था हमारा मेथड टू। अब हम पढ़ेंगे मेथड थर्ड। अब मेथड थर्ड से पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो मेथड फर्स्ट और मेथड टू पर बेस्ड है। क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं, ये हमारा क्या है क्वेश्चन है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस साइन टू एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें क्या निकालना है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। पहले हम इसका सी एफ निकालते हैं, फिर इसके बाद हम इसका पी आई निकालेंगे एंड देन उसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। पहले हम इसको निकालते हैं सी एफ, इस इक्वेशन का सी एफ क्या होता है। सी एफ से पहले हम इसको क्या करते हैं, कैपिटल डी के फॉर्म में इस इक्वेशन को बना लेते हैं। तो क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस फोर वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस साइन टू एक्स, ये आया हमारा बन गया। अब हमें क्या बनाना है, सी एफ। तो पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, एम स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके रूट फाइंड करने, एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के फोर, तो एम क्या आया हमारा प्लस माइनस टू आयोटा, यह आएगा हमारा रूट निकाल, ये तो रूट निकालने सभी को आते हैं। तो अगर हम ये हमारे रूट्स कैसे आ गए, कॉम्प्लेक्स, हम इसे अल्फा प्लस आयोटा बीटा के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या होगा, अगर हम इसे अल्फा प्लस आयोटा बीटा के फॉर्म में लिखे, अल्फा तो जीरो है तो जीरो प्लस माइनस टू टू आयोटा, ये यही होंगे हमारे रूट, एम स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर आया रूट लिया माइनस, ठीक है ये आ गए हमारे रूट। अब रूट्स कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं हमारे कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट, कॉम्प्लेक्स है और डिस्टिंक्ट है। तो सी एफ कैसा आएगा हमारा, सी एफ इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा एक्स, अल्फा की वैल्यू जीरो एक्स, सी वन कॉस बीटा की वैल्यू, यहां से हमारी अल्फा की वैल्यू जीरो है और बीटा की वैल्यू टू है, कॉस टू एक्स प्लस आयो सॉरी ई की पावर अल्फा एक्स प्लस सी वन कॉस बी एक्स प्लस सी टू साइन टू एक्स, ये आया हमारा सी एफ। सी एफ आ गया हमारा ई की पावर जीरो वन, तो यह आया हमारा c1 वन कॉस टू एक्स प्लस सी टू साइन टू एक्स, ये आ गया हमारा यहाँ पे सी एफ।
वन कॉस टू एक्स प्लस सी टू साइन। अब हमें क्या निकालना है, पी आई। अब हमें पी आई फाइंड करना है। पी आई के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अब पी आई हमें निकालना है। पी आई पहले हम लिख लेते हैं वन अपॉन में डी स्क्वायर प्लस फोर और ई की पावर एक्स प्लस साइन टू एक्स। ये हुआ हमारा, ये हमारा पी आई है। अब हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर ई की पावर एक्स भी है प्लस साइन टू एक्स भी है। अब क्या करते हैं हम इस एफ डी को अंदर क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो क्या होगा हमारा, वन अपॉन में डी स्क्वायर प्लस फोर, वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस फोर ई की पावर एक्स प्लस, ये एक अलग फंक्शन हो गया, फिर वन अपॉन में डी स्क्वायर प्लस फोर और ये हो गया हमारा। डी स्क्वायर प्लस फोर साइन टू एक्स टाइम, ये हमारे दो फंक्शन हो गए अलग अलग। अब हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो है ये हमारा फर्स्ट मेथड है, कौन सा, वन अपॉन एफ डी ई की पावर एक्स टाइप का, ये हमारा फर्स्ट मेथड है जो हमने पढ़ लिया प्रीवियस क्लासेस में। और ये हमारा कैसा मेथड है, ये वन अपॉन एफ डी स्क्वायर टाइप का और साइन एक्स टाइप का, और यही हमारा क्या था, सेकंड मेथड। अब हमें, हमने फर्स्ट मेथड भी सॉल्व करना सीख लिया, हमने सेकंड मेथड भी सॉल्व करना सीख लिया, तो आगे बढ़ते हैं। क्या था हमारा, वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस फोर ई की पावर एक्स प्लस वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस फोर साइन टू एक्स, ये था हमारा पी। अब हम क्या करते हैं इसको सोल्व करते हैं, साथ ही कर लेते हैं। ये हमारा अब e की पावर ax, a की वैल्यू क्या है वन, पुट करते हैं, पुट d इज इक्वल्स टू a और a की वैल्यू कितनी है वन, तो d की जगह पर वन रखते हैं, तो वन का स्क्वायर प्लस फोर क्या है, और e की पावर x प्लस। अब पहले इसको ही सोल्व कर लेते हैं इस पार्ट, वन फाइव हुआ, वन अपॉन फाइव ई की पावर एक्स, ये तो इजीली सॉल्व हो गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, वन अपॉन में क्या करते हैं यहाँ पे, पुट करते हैं डी स्क्वायर की जगह पर माइनस के ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है टू, तो यहाँ पे अगर हम लें तो ये हो जाएगा टू का स्क्वायर, इट मीन्स माइनस के फोर, डी स्क्वायर की जगह पर रखना है माइनस के फोर। अब हम यहाँ रखते हैं वन अपॉन में माइनस फोर प्लस फोर, अच्छा यहाँ पे हमने रख लिया, यहाँ पे माइनस के फोर प्लस फोर, और हमारा क्या चल रहा है साइन टू एक्स, ये अलग है ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये फंक्शन तो हमारा जीरो बन गया, ये तो जीरो आ गया नीचे। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, अब क्या करना था एफ डी को हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो एफ डी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डी है क्या, एफ डी स्क्वायर है क्या हमारा डी स्क्वायर प्लस फोर, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा 2d आएगा, तो हम क्या करते हैं 1 अपॉन में 2d और एक क्या होगा एक वेरिएबल आएगा 1 अपॉन में 2d इनटू साइन 2x, साइन 2x ये आएगा हमारा ये इनटू। अब हमें क्या करना है यहाँ पे डी स्क्वायर बनाना है, तो हम क्या करते हैं d से डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में क्या करते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो 1 अपॉन 5 e की पावर एज इट इज प्लस x अपॉन 2, तो ये जाएगा d अपॉन में d स्क्वायर और ये हो गया हमारा साइन 2x, तो 1 e की पावर x अपॉन 5 प्लस x बाय और d ओवर साइन 2x। अब हमें क्या करना है पुट करना है d स्क्वायर की जगह पर क्या माइनस के 4 ही रखेंगे, d स्क्वायर की जगह माइनस 4 रखते हैं, तो ये आएगा माइनस के 4
ये हुआ हमारा। अब हमें क्या करना है, ये हो गया हमारा e की पावर x अपॉन 5 माइनस 1 बाय 8, x भी ले लेते हैं x बाय 8, और डिफरेंशिएशन ऑफ इसका साइन 2x का। अब हमें क्या करना है, साइन 2x का डिफरेंशिएशन करना है। ये तो सभी पता है, सभी को पता है कैपिटल डी मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, तो क्या आएगा एफ डैश एक्स, और अगर 1 अपॉन डी लिखा है 1 अपॉन डी फंक्शन ऑफ एफ एक्स, तो इसका क्या मतलब होता है 1 अपॉन डी का, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर हमारा कैपिटल डी है साइन 2x, तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं। देखिए ये क्या बना, e की पावर x अपॉन 5 माइनस x अपॉन 8, और डिफरेंशिएशन करेंगे साइन 2x का डिफरेंशिएशन, साइन 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x, और 2x का मल्टीप्लीकेशन में 2, तो क्या आएगा ये हमारा e की पावर x अपॉन 5, 2 से कैंसिल हो, 8 2 से कैंसिल हो गया, तो माइनस एक्स अपॉन 4 cos 2x, ये आ गया हमारा पी आई। अब हमें क्या करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होता क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या कह दो, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो y इज इक्वल टू सी एफ कितना था हमारा, सी वन कॉस टू एक्स प्लस सी टू साइन, सी वन कॉस टू एक्स प्लस सी टू साइन टू एक्स, और पी आई कितना आया हमारा, e की पावर x बाय 5 माइनस x बाय 4 कॉस टू एक्स, ये आ गया हमारा c कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हमने क्या किया, इस क्वेश्चन से हमने मेथड फर्स्ट और मेथड टू रिकॉल कर लिया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मेथड थर्ड की तरफ। अब हम मेथड थर्ड देखते हैं कि मेथड थर्ड होता क्या। मेथड थर्ड है क्या, इसमें एक इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन एफ डी वाई टाइम, यह हमारी जनरल इक्वेशन है। अब यहां पर हमारा क्यू एक्स हमारा पॉलिनोमियल के फॉर्म में हो, या फिर कह दो एक्स की पावर एन के फॉर्म में हो, एक्स की पावर एन, या फिर हमारा पॉलिनोमियल फॉर्म, ठीक है। तो हमारा एफ डी किस तरीके से निकलेगा, यहां पर सॉरी एफ डी कह रही पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए 1 अपॉन में एफ डी और इनटू में हमारा जो भी फंक्शन दे रखा है, एक्स एन दे रखा है या फिर हमारा पॉलीनोमियल दे रखा है कुछ भी। अब हमें क्या करना है, हमें इसका इनवर्स फाइंड करना, हम इसे क्या लिख सकते हैं, एफ डी एंड देन x की पावर n। अब हमें क्या करना है, इसका एक्सपेंशन करना। अब ये तो हमने मेथड है, ये तो हमने मेथड पढ़ लिया कि हमारा मेथड ये होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए। अब इससे पहले हम कुछ फॉर्मूले देखते हैं कि फॉर्मूले होते क्या एक्सपेंशन करने के लिए। बायनोमियल एक्सपेंशन से करते हैं, ये बायनोमियल एक्सपेंशन सभी को आता होगा, वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन, इसका फॉर्मूला क्या है, वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर फोर डैश, इस तरीके से चलेगा। ये हमारा क्या है, वन प्लस एक्स का इनवर्स का फॉर्मूला है। अब सेकेंड है वन माइनस एक्स का इनवर्स, वन प्लस है तो अल्टरनेट चलेगा, माइनस है तो सारे पॉजिटिव होंगे, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर फोर डेड डैश। अब नेक्स्ट वन प्लस एक्स की पावर माइनस टू, अब इसका क्या होगा, वन
माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर वन टू प्लस टू एक्स क्यूब प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरीके से ही पड़ेगा। अब वन माइनस एक्स की पावर माइनस टू, इसका क्या होगा, वन सारे पॉजिटिव होंगे, वन प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स क्यूब प्लस डेड डैश, ये क्या है हमारे फॉर्मूले। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये थ्री होगा, ये हमारा सॉरी माइनस फोर एक्स क्यूब, अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन है, अब हमें क्या करना है इसका, पहले इसमें हम कंप्लीट सॉल्यूशन ही फाइंड कर लेते हैं, सीएफ और पीआई दोनों निकाल लेते हैं। सीएफ क्या होगा, डी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस वन, प्लस माइनस वन आएगी तो हमारा सीएफ क्या होगा, इसका CF होगा C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस, ये आ गया हमारा CF। अब मैं डायरेक्ट कर दिया, अब तक तो आ गया होगा सभी को प्रैक्टिस में, अब CF आ गया, अब हमें निकालना है PI। PI किस तरीके से निकालेंगे, अब देखो PI के लिए 1 अपॉन में FD और हमारा x की पावर n इस टाइप का, तो अब हमें क्या करना है, एफ डी कितना दे रखा है, डी स्क्वायर माइनस वन, अब हमें क्या बनाना है, और एक्स की पावर थ्री, अब हमें इसका इनवर्स निकालना है। अब इनवर्स कैसे निकालेंगे, इनवर्स हमने पढ़ा है फॉर्मूला, क्या पढ़ा था, वन प्लस एक्स का इनवर्स पढ़ा है, वन माइनस एक्स का इनवर्स पढ़ा है, वन प्लस एक्स की पावर माइनस टू का इनवर्स पढ़ा है, वन माइनस एक्स की पावर प्लस टू, हमने चार इनवर्स पढ़े हैं। अब हमें पहले इसको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, इस फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस वन कॉमन ले लेते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा माइनस वन कॉमन लिया तो वन माइनस डी स्क्वायर, यही होगा भाई, माइनस वन कॉमन ले लेते हैं, वन माइनस डी स्क्वायर, उसकी पावर कितनी है, वन है, और एक्स क्यूब चल ही रहा है हमारा, हम इसे लिख सकते हैं माइनस वन, वन माइनस ऐसे लिख लेते हैं इसको, माइनस ऊपर ले आते हैं वन माइनस डी स्क्वायर इनवर्स और हमारा एक्स क्यूब, ये हुआ। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था वन माइनस एक्स का इनवर्स, इसका फॉर्मूला क्या था, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, क्योंकि माइनस में है तो बोला था प्लस में चलेंगे, एक्स की पावर फोर प्लस डेड, ये होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका इनवर्स निकालना है, देखो माइनस एक्सपेंशन करना है, अब ये वन है, ये हमारा एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या है, डी स्क्वायर, एक्सपेंड करते हैं इसको तो वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब प्लस एक्स की पावर फोर प्लस डेड डैश, ऐसे ही चले गए और हमारा एक्स क्यूब, ये है हमारा। अब हमें इस एक्स की पावर थ्री को क्या करना है, इस एक्स की पावर थ्री को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अंदर फंक्शन में, अब किस तरीके से करेंगे, माइनस बाहर ले लेते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितने टाइम, हमें मतलब कितने वेरिएबल तक डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने टर्म तक डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहां तक करेंगे। अब पावर कितनी है, यहाँ पे थ्री पावर है, तो अब हमें पता है कि अगर मैं इस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट करूं फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो आया थ्री एक्स स्क्वायर, सेकेंड टाइम किया तो सिक्स एक्स, थर्ड टाइम किया तो आया हमारा सिक्स,
फोर्थ टाइम करेंगे तो जीरो हो जाएगा, मतलब फोर्थ के बाद की जो भी जितने हम ऑर्डर है उसमें क्या होगा, हमारा फंक्शन क्या होगा, जीरो होगा। तो हमें कितने देखना है, हमें डी की पावर थ्री टर्म तक लेना है, उसके बाद क्या होगा, सब जीरो हो जाएगा। तो वन प्लस डी स्क्वायर प्लस डी की पावर फोर प्लस डी की पावर सिक्स प्लस डी की पावर एट प्लस डेट डैश ऐसे चलेगा और एक्स की पावर थ्री। अब देखो माइनस वन हमें कितने टर्म तक देखना है, डी की पावर थ्री तक। अब देखो ये तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हो गई भाई, हायर ऑर्डर हो गए, थ्री से बड़े हो गए, तो ये सभी इट्स ऑल वैल्यूज आर जीरो, इन सभी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो अब हमें कंटेन कितना करना है, वन प्लस डी स्क्वायर, बस इतना लेके चलना, और एक्स क्यूब। अब देखिए माइनस वन, अब अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक्स की क्यूब प्लस डी स्क्वायर एक्स क्यूब, यह आया माइनस एक्स क्यूब एज इट इज रहा। अब इसको कितनी बार टाइम्स, मतलब कितने टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, टू टाइम्स करना है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो फर्स्ट टाइम करेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर, सेकेंड टाइम करा तो सिक्स एक्स, तो क्या हुआ सिक्स एक्स। अब या तो यहां से माइनस कॉमन ले, एक्स कॉमन ले लेते हैं, या फिर हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स या गया हमारा, या फिर माइनस अगर हम इसमें से माइनस एक्स कॉमन ले लें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स, या गया हमारा पी आई, पी आई आ गया। अब हमें क्या करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए क्या था फॉर्मूला, यही लिख देते हैं, जनरल सॉल्यूशन क्या था, y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ क्या था हमारा, सी वन e की पावर x प्लस सी टू e की पावर माइनस x, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आया हमारा, माइनस के x माइनस x x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस सिक्स, ये आ गया हमारा जर्नल सॉल्यूशन। अब इसमें क्या क्या हमने क्वेश्चन किया, जिसमें हमने क्या निकाला, हमने सी एफ निकाला और हमने क्या निकाला पी आई निकाला, और हमने उसका क्या निकाल दिया, जर्नल सॉल्यूशन निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। हमने क्या लिया, डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें सी एफ और पी आई फाइंड करना है। अब सी एफ किस तरीके से निकालते हैं, सी एफ हमने इतनी सारी क्लासेस कर ली तो आई होप सो आपको आ गया होगा कि सी एफ किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, सी एफ क्या होता है, वन अपॉन में एम एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एम प्लस वन का होल स्क्वायर बनाइए, तो इससे रूट आए माइनस वन वन माइनस के वन। रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो इससे सी एफ क्या होगा, सी एफ होगा सी वन ई की पावर माइनस एक्स, सी वन प्लस एक्स सी टू e की पावर माइनस एक्स, ये आ गया हमारा सी एफ। अब हमें क्या निकालना है, पी आई निकालना है, पी आई निकालना है। पी आई निकालने के लिए भी वन अपॉन में एफ डी, एफ डी कितना है, डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन, और हमारा e की पावर सही है e की पावर एक्स। अब हमारे क्या है, ये फंक्शन है। अब हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना,
ये ना e की पावर x है, तो देखा जाए अब ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। ऐसे करते हैं e की पावर x की जगह हम x ले लेते हैं, क्यों फर्स्ट मेथड बन जाएगा, x ही ले लेते हैं अब। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, ये बना हमारा d प्लस वन का होल स्क्वायर, ये हुआ और हमारा x चल रहा है। अब इसे क्या करना है, हमें एक्सपेंशन करना है इसका, d प्लस वन का एक्सपेंड करना है, तो ये होगा d प्लस वन की पावर माइनस टू और x। अब हमने क्या पढ़ा था, d प्लस वन का एक्सपेंशन भी पढ़ रखा है, d प्लस वन का क्या एक्सपेंशन था, माइनस टू वाला, वन प्लस वन माइनस डी प्लस टू डी स्क्वायर माइनस थ्री डी क्यूब प्लस फोर डी क्यूब, 4d की पावर 4 इस तरीके से चलेगा, 1 माइनस डी प्लस टू डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस माइनस, ठीक है ये होगा। अब हमें क्या करना है, इसका एक्सपेंड करना, आप देखो कितने टाइम करना है, अब लिखो इसको, 1 माइनस डी प्लस टू डी स्क्वायर माइनस थ्री डी क्यू प्लस फोर डी की पावर 4 प्लस डेट डेट एज इट इज और एक्स कितना है, एक हम इसे बस एक ही बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि एक से ज्यादा बार करेंगे, बट डी को x को डिफ्रेंशिएट करेंगे x को डिफ्रेंशिएट करा तो ये फर्स्ट टाइम किया, a की पावर है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही होगा। अब हायर ऑर्डर निकालेंगे, एक से ज्यादा निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, फंक्शन जीरो हो जाएगा। तो हम इसमें वन माइनस डी कंटेन करके चलते हैं, बाकी ये सब क्या होगा, इट्स ऑल वैल्यूज आर जीरो, इसमें जीरो हो जाएंगे, हटा देते हैं, देखिए और हमारा एक्स। अब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया एक्स माइनस डी ऑफ एक्स, तो एक्स डिफरेंशिएशन क्या हुआ, एक्स का वन, तो ये आ गया हमारा पीआई आ गया। अब हमारा पीआई आ गया, सीएफ भी आ गया, अब हमें क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हुआ इसका, y is equals to cf plus pi, y is equals to cf क्या है हमारा, c1 plus x c2 e की पावर माइनस x प्लस pi कितना है, x माइनस वन, ये आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम इसमें भी cf निकाल लिया और हमने pi निकाल लिया और हमने इसका जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड कर लिया। अब मेथड थर्ड के हमने दो क्वेश्चन कर लिए हैं, वे एक क्वेश्चन हमने ये किया प्रीवियस कि ये वाला डी स्क्वायर माइनस वाई डी एक्स, डी स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक क्वेश्चन हमने ये किया, डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। अब देखा जा रहा है यहां पर हमने अभी तक की जितनी भी क्लासेस हुई हैं उसमें हमने सी एफ निकालना अच्छी तरीके से सीख लिया होगा, सभी को आ गया होगा सी एफ निकालना। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के भी काफी सारे मेथड है, अभी तक हमने कितने मेथड पढ़े, अभी तक हमने तीन मेथड पढ़े, अब हम पढ़ते हैं मेथड फोर, नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं। अब मेथड फोर है क्या, एक हमारी इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन एफ डी टाइप में, अब हमारा यहां पर इफ क्यू एक्स, अब हमारा यहां पर क्यू एक्स किस टाइप का है, एफ डी इक्वल्स टू दिस है, अब हमारा यहां पर क्यू एक्स है हमारा e की पावर ए एक्स इंटू फाइव एक्स टाइप का, तो हम उसका पर्टिकुलर मान लेते हैं कि हमारा एक इक्वेशन है मतलब क्यू एक्स है ई की पावर ए एक्स इंटू फाइव एक्स टाइप का। अब फाइव एक्स यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एक्स की वेरिएबल का हो सकता है या फिर साइन एक्स हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है या फिर हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें किस तरीके से हम पी आई फाइंड करेंगे, तो वन अपॉन में एफ
डी ई की पावर ए एक्स इंटू वाई एक्स, ये क्या है हमारा वन अपॉन एफ डी ई की पावर ए एक्स इंटू फाइव एक्स। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें सॉल्व करना है। अब हम क्या करते हैं, इस e की पावर ए एक्स को बैकवर्ड लेके चलते, e की पावर x को यहां रखा, अब हमने 1 अपॉन में एफ डी और फाइव एक्स। अब ये चीज हमने, मतलब ये वाला पार्ट हमने प्रीवियस क्लासेस में सीख रखा है किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं, मेथड सभी का सेम है, पुट करते हैं d की जगह पर d प्लस ए, तो क्या होगा e की पावर ए एक्स वन अपॉन में एफ डी प्लस ए और हमारा फाइव एक्स, वेयर जहां पर एफ डी प्लस ए हमारा डज नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। यहां पर भी हमारा क्या नहीं बनना चाहिए, जीरो नहीं बनना चाहिए। अगर हमारा ये भी जीरो बन जाता तो वही सेम प्रोसेस क्या होगा, e की पावर ए एक्स एज इट इज इंटू वन अपॉन में, अगर हमारा अच्छा इफ करते हैं, इफ हमारा एफ डी प्लस ए जीरो बन गया तो हम क्या करेंगे, हमने प्रीवियस मेथड में क्या किया था, अगर हमारा कोई भी एफ डी फंक्शन जीरो बन जाता है तो हम क्या करते थे, डिफ्रेंशिएट करते थे एफ डी को। हम लिखेंगे हमारा e की पावर एक्स तो चल ही रहा है साथ में, e की पावर ए एक्स, इसके साथ क्या है हमारा, हमने एक वेरिएबल लिया था x और अपॉन में f डैश d प्लस a और हमारा क्या है phi x टाइम, यही मेथड है हमारा। अब यहां पर भी हमें चेक करना है कि f डैश d प्लस a हमारा क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसे सेम प्रोसेस अप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लेते हैं हम, डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर ई की पावर टू एक्स इंटू एक्स क्यूब, यह हमारा क्या एक फंक्शन है, मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर वन टाइम, अब हमने मेथड तो पढ़ लिया था, क्या किया हमारा क्यू एक्स किस टाइप का, e की पावर एक्स इंटू फाइव एक्स टाइप का, तो वन अपॉन एफ डी ई की पावर ए एक्स इंटू फाइव एक्स ई की पावर एक्स, ये हमारा मेथड था। तो अब हम देखते हैं आगे, हमारा क्वेश्चन ये है, अब हम इसमें भी क्या करते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं, तो हम यहाँ पे हम क्या करते हैं सी एफ निकालते हैं और हम अपना पी आई भी निकालते हैं। तो अब देखो पहले हम क्या करते हैं सी एफ निकालते हैं, इसमें सी एफ क्या होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, ये m माइनस टू के होल स्क्वायर की इक्वेशन आइडेंटिटी है, तो m आ गया हमारा 2 इंटू, तो सी एफ आया हमारा, रूट्स कैसे हैं, रिपीटेड एंड इक्वल, तो सी एफ होगा c1 प्लस एक्स सी टू e की पावर 2x, ये आ गया हमारा सी एफ। अब हमें क्या निकालना है यहां पर, पी आई निकालना है, पी आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वन अपॉन में डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर वन अपॉन में एफ डी, मैथड क्या था पहले मैथड ही देख लेते हैं, वन अपॉन एफ डी ई की पावर ए एक्स यहाँ ले लेते हैं और फाइव एक्स हमारा फंक्शन यहाँ होता है, पुट करते हैं फिर डी की जगह पर डी प्लस, ठीक है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं वन। अब हमें क्या करना है, डी इस डी की जगह पर क्या रखना है, डी प्लस ए रखना है, तो अब हम क्या करेंगे इसको चेंज कर लेते हैं, मतलब पुट कर देते हैं, मैंने वन अपॉन में डी क्या है हमारा एफ डी डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर ई की पावर ए एक्स ई की पावर टू एक्स यहाँ आ गया और हमारा फाइव एक्स क्या है एक्स की क्यूब,
ये हुआ। अब हमें क्या करना है, इसको पुट करना है डी की जगह पर डी प्लस ए, ए की वैल्यू कितनी है यहां पर टू, तो डी की जगह पर क्या रखना है डी प्लस टू रखना, देखिए ए की पावर टू एक्स वन अपॉन डी की जगह पर क्या रखना है डी प्लस टू, तो डी प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस टू को प्लस के फोर, ये हुआ। और हमारा एक्स क्यू ई की पावर टू एक्स वन अपॉन डी प्लस टू का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो डी स्क्वायर प्लस फोर प्लस फोर डी माइनस फोर डी माइनस एट प्लस फोर, ये हुआ। और यहाँ पे हमारा ई की एक्स क्यू ई की पावर टू एक्स फोर डी से फोर डी कैंसिल हुआ, अब देखो ये प्लस फोर ये इससे ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारा यहाँ पे वन अपॉन में डी स्क्वायर और हमारा यहाँ पे एक्स क्यूब। अभी बताया था मैंने वन अपॉन डी है तो ये हमारा इंटीग्रेशन होता है, अगर वन अपॉन वन अपॉन डी है तो इंटीग्रेशन होता है ई की पावर टू एक्स, क्या करते हैं एक डी आई रखते हैं और एक हम इंटीग्रेशन लगा लेते हैं एक्स क्यूब डी एक्स का, बाई डी स्क्वायर है एक डी आई रखा तो वन अपॉन डी क्या हो गया इंटीग्रेशन, तो ई की पावर टू एक्स वन अपॉन डी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, जो पावर होती है उसमें क्या हो जाता है पूरे वो नीचे आ जाते हैं डिनोमिनेटर में, ये हमारा इंटीग्रेशन होता है। एक्स की पावर एन एन कितना थ्री, तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर फोर अपॉन में फोर, ये हुआ। अब हमें क्या करना है एक बार और डिफरेंस इंटीग्रेट करना है क्योंकि वन अपॉन डी है, तो ई की पावर टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ फोर कॉमन ले लेते हैं बाहर एक्स की पावर फोर डी एक्स, ई की पावर टू एक्स बाय फोर ई की पावर टू एक्स बाय फोर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर फोर डी एक्स, तो क्या होगा ई की पावर टू एक्स बाय फोर एक्स की पावर फाइव बाय फाइव, एक्स की पावर फोर एन क्या है फोर है तो एक ऐड हो जाएगी और बाकी नीचे आ जाएगी पावर, तो ई की पावर टू एक्स इंटू एक्स की पावर फाइव अपॉन में ट्वेंटी, ये क्या आ गया हमारा पी आई। तो देन कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ क्या होगा हमारा सी वन प्लस एक्स टू, C1 वन प्लस एक्स सी टू ई की पावर 2x, और PI क्या हुआ हमारा 1 अपॉन 20 x की पावर 5 इंटू ई की पावर 2x, ये आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन। अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, d माइनस ए का होल स्क्वायर y इज इक्वल टू e की पावर ए एक्स एफ डबल डैश, ये हमारा एक क्वेश्चन है। d माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू e की पावर ए एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स, ये भी हमारा मेथड फोर ये। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हम पहले यहाँ पे सी एफ फाइंड कर लेते हैं कि सी एफ क्या होगा, सी एफ निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन एम माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो एम क्या मिला प्लस माइनस ए, सॉरी एम मिलेगा क्योंकि पावर टू है, रूट्स कैसे मिलेंगे एम इज इक्वल टू ए टाइम रूट्स आर रियल एंड इक्वल,
रूट्स कैसे हैं, रियल हैं और हमारे कैसे हैं, इक्वल है। अब हमें क्या करना है, सी एफ निकालना है। सी एफ के लिए फॉर्मूला वही सी वन प्लस एक्स सी वन प्लस एक्स सी टू ई की पावर कितना था, ई की पावर ए एक्स। ये हमारा सी एफ। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इसका पी आई। पी आई किस तरीके से निकालेंगे, हम पी आई लेके चलते हैं, वही वन अपॉन एफ डी टाइप, तो डी माइनस ए का होल स्क्वायर और हमारा ई की पावर ए एक्स यहाँ पर, और हम एफ डबल डैश इस टाइप का है। अब हमें क्या करना है, पुट करना है डी की जगह पर डी प्लस ए, डी की जगह पर डी प्लस ए रखते हैं क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू ए ही है। तो हमारा पी आई क्या होगा, ए की पावर ए एक्स अपॉन में वन, डी की जगह पर डी प्लस ए और ये माइनस ए एज इट इज डी स्क्वायर और एफ डबल डैश एक्स। अब ई की पावर ए एक्स एज इट इज, इससे ये कैंसिल आउट हुआ तो क्या हुआ, वन अपॉन में डी स्क्वायर और क्या चल रहा है, एफ डबल डैश एक्स। e की पावर ए एक्स वन अपॉन में डी स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स। ये था हमारा फंक्शन। अब इसको सोल्व करते हैं आगे, e की पावर ए एक्स एज इट इज रखते हैं। अब हमें क्या करना है, अभी बताया था वन अपॉन डी क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो एक डी अभी हम यही रखते हैं और एक का इंटीग्रेशन करेंगे एफ डबल डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, e की पावर ए एक्स डी। अब ये भी डिफ्रेंशिएशन नहीं लिखा हुआ है, एफ डबल डैश एक्स, अगर हम इसका एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा एफ डैश एक्स। फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे तो एफ डैश एक्स आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार और इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट ऑफ फंक्शन एफ डैश एक्स डी। e की पावर ए एक्स, e की पावर ए एक्स एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ एक्स और यही हमारा पी आई, पी आई है। अब हमें क्या निकालना है, देन जनरल सॉल्यूशन। तो वही y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई टाइप, तो y इज इक्वल टू सी एफ क्या था हमारा, सी एफ था सी सी वन प्लस एक्स सी टू ई की पावर ए एक्स प्लस पी आई क्या है हमारा, ई की पावर ए एक्स एफ। ये आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन, ये आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। वाई इज इक्वल टू सी वन प्लस एक्स सी टू, c1 वन प्लस एक्स सी टू इंटू ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर ए एक्स इंटू फाइव एक्स। अभी तक के हमने कितने मेथड पढ़े, फोर मेथड पढ़े हैं। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने इस क्लास में क्या पढ़ा, हमने थर्ड मेथड पढ़ा और हमने फोर्थ मेथड पढ़ा। तो तब तक के लिए क्या करना है, अब तक जब तक हमने पढ़ा है अभी तक के लिए हम क्या करते रहेंगे, जो भी हमने मेथड पढ़ा है उनकी क्या करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, तो आगे का मेथड जो है हम उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।